निफ्टी आईटी इंडेक्स में शुक्रवार को पिछले तीन साल की सबसे बड़ी उछाल आई, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी ने अपना नया रिकॉर्ड स्तर छुआ। आईटी शेयरों में यह तेजी तीन बड़ी आईटी कंपनियों के जून तिमाही के नतीजे के बाद आए हैं। इस तेजी के पीछे अमेरिकी केंद्रीय बैंक की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत और ग्लोबल शेयर बाजारों में तेजी मुख्य वजह रही। आईटी शेयरों में सबसे अधिक तेजी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS, HCL टेक और विप्रो जैसे बड़े शेयरों में देखने को मिली थी। जून तिमाही में इनके आंकड़ों में सुस्ती और तिमाही नतीजों को लेकर सतर्क नजरिए के बावजूद इनके काउंटर में जोरदार बिक्री दिखी। TCS के शेयर में सबसे अधिक 5% की ग्रोथ दर्ज की गई। इसके बाद सबसे अधिक इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, LTI माइंडट्री और HCL के शेयरों में 4-4% की तेजी दर्ज की गई। विप्रो के शेयर 3% बढ़कर बंद हुए। एम्फैसिस में 7.95%, LTTS में 5.70% और टेक महिंद्रा में 4.3% की बढ़त रही। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज में रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, अमेरिका में महंगाई के नियंत्रण में आने से निवेशकों के बीच आशावाद पैदा हुआ है। अमेरिकी इकोनॉमी को स्थिर रखने के लिए 0.25% की ग्रोथ रेट पर्याप्त होगी। इस बेहतर संभावना ने पहली तिमाही के कमजोर आंकड़े के बावजूद भारतीय आईटी शेयरों की मजबूत खरीदारी में योगदान दिया है। इसके अलावा आईटी शेयरों और चुनिंदा अन्य टेक शेयरों को भी नैस्डैक इंडेक्स का प्रतिबिंब माना जाता है, जिसमें पिछले सप्ताह 3.44% की बढ़ोतरी हुई है। आज उछाल के बावजूद अब तक कंपनियों की संख्या और आगे के सीमित आउटलुक को देखते हुए ब्रोकरेज फर्म इस सेक्टर को लेकर सतर्क हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ में टेक्निकल रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट अमोल अठावले ने कहा कि आईटी शेयरों में शानदार तेजी के बाद चुनिंदा फ्रंटलाइन टेक कंपनियों की उम्मीद से बेहतर कमाई हुई, जिससे देर से उछाल आया। ICICI सिक्योरिटीज़ में टेक्नोलॉजी सेक्टर के VP सुमित जैन ने मनी कंट्रोल को बताया कि आईटी शेयरों के साथ काफ़ी होप ट्रेड हो रहा है। उन्होंने कहा, कुल मिलाकर उम्मीद यह है कि यहां से तिमाही आधार पर ग्रोथ विकास दिखना शुरू हो जाएगा। ग्लोबल स्तर पर अमेरिका में लोगों की अपेक्षा से अधिक तेज़ी से ब्याज दरें कम होनी शुरू हो सकती हैं। नैसडैक और टेक स्टॉक पिछले एक साल से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहां तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की 2री सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15-20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रांग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, TVS, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज़ करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट यानी बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट्स को श्री विजय माल्या ओन करते थे, जबकि उनके फादर मिस्टर विठल माल्या ने मल्टीपल एक्विजिशंस के थ्रू इस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था और लेटर ऑन कंपनी ने या फिर विजय माल्या साहब ने इस कंपनी को एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट के साथ, करीब करीब $66 मिलियन के प्रॉफिट के साथ इस कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को बेचा। तो ऐसे मल्टीपल एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स पिछले 99 साल की हिस्ट्री में बर्जर पेंट्स के अंदर आपने देखे हैं। साथ ही साथ बर्जर पेंट के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्यों में से, ये बांग्लादेश की सबसे पुरानी और साथ साथ सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये पेंट स्पेस में बांग्लादेश के अंदर कमांड करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली पेंट कंपनी अगर कोई लिस्ट हुई थी तो
तो वो थी बर्जर पेंट्स। और ये करीब करीब 50 साल पहले नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली पेंट कंपनी बनी थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड। लेकिन सबसे रोचक तथ्य कि ये दुनिया की 14वीं, एशिया की 4थी और भारत की 2री सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड। आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते रहे।